बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम करंट अफेयर्स विद मिया इमरान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान सोनिया शेख। नाज़रीन, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला दहशतगर्दी नहीं बल्कि टैक्स इकट्ठा करना है। हुकूमत हर रोज नित नए मंसूबे लॉन्च कर रही है लेकिन फायदा कुछ भी नहीं हो रहा। टैक्सों की भरमार से अवाम पर बोझ दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है लेकिन हुकूमत फिर भी टैक्स का जो असल हदफ है वो अभी तक हासिल नहीं कर पा रही। ये टैक्स आखिर कहां जाता है? अगर हुकूमत के पास नहीं जाता तो क्या कोई जिन भूत गायब कर जाते हैं? टैक्स निजाम में बेहतरी के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के साबिक सदर और पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के साबिक वाइस प्रेसिडेंट मंशा सुखेड़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम मंशा साहब। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। सबसे पहला जो मेरा आपसे सवाल है वो ये है कि आप लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, इस मर्तबा भी इलेक्शन में आपका ग्रुप ही जीता है, आप क्या समझते हैं कि टैक्स बार के असल जो मसाइल हैं वो क्या हैं? बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल तो अस्सलाम वालेकुम, मैं मशकूर हूँ रॉयल टीवी का कि उन्होंने मुझे बुलाया और अपने पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर करने का मौका दिया, थैंक यू वेरी मच। तो फर्स्ट इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि टैक्स जो है ये लाइफ ब्लड ऑफ स्टेट है, जैसे बॉडी ब्लड के बगैर नहीं चल सकती, इस तरह स्टेट के लिए भी ये बेसिक नीड्स हैं। जिस स्टेट में इसकी ज्यादा कलेक्शन होगी और इसकी एप्लीकेशन वेलफेयर के लिए ज्यादा होगी तो उतना लोगों की फिर वेलफेयर ज्यादा होगी और मुल्क में प्रॉस्पेरिटी होगी। तो जहां तक हमारे मसाइल का तल्लुक है, हमारे हम जो बार्स हैं टैक्स बार्स, ये कनेक्टेड हैं विद द टैक्स पेयर और एफबीआर, क्योंकि ये ब्रिज है अमंग द बिटवीन द टू। तो दोनों ही अपने उनके मसाइल ही डायरेक्टली हमारे इनडायरेक्टली हमारे मसाइल बनते हैं। जैसे एफबीआर है तो उनपे टैक्स टारगेट्स होते हैं, पहले एनुअल टारगेट होते थे कि साल के आखिरी दो माह होते थे, मई जून जुलाई, उसमें उन्होंने टारगेट पूरे करने होते थे। आजकल पूरे साल में ही टारगेट होते हैं, बल्कि क्वार्टरली भी नहीं कहेंगे, फोर्टनाइटली या डेली बेसिस पे टारगेट होते हैं। तो एक्सेसिव टारगेट दिए होते हैं, तो एक्सेसिव टारगेट को पूरा करने के लिए फिर टैक्स पेयर जो है उस पे शामत आती है, फिर उस पे हिटें लगती हैं। जैसे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है सेक्शन 111 है, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट है, कोई बैंकिंग क्रेडिट एंट्रीज है या कोई अनडिस्क्लोज एसेट्स है, वो सारी डायरेक्टली ऐड कर लेते हैं और टैक्स उस पे 25% 30% लगा देते हैं। तो इस तरह एक्सेसिव हिटिंग जो होती है उससे टैक्स पेयर जो है बहुत अफेक्ट होता है। इसी तरह सेल टैक्स है जिसमें आजकल तो बहुत ज्यादा, जैसे ब्लैक लिस्टिंग कर दी और सस्पेंशन कर दी, एफआईआर भी कर देते हैं, और साथ फिर आजकल तो रिटेल सेक्टर में जो है वो तो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह फिर ओवरऑल इकोनॉमी जो है या टैक्स पेयर जो है या जो इन्वेस्टर्स हैं वो फिर डिस्करेज होते हैं। तो हमारी पॉलिसी जो टैक्सेस पॉलिसीज हैं, क्योंकि दोनों के इंटरकनेक्टेड मसाइल हैं, तो उन मसाइल को हमारा रोल जो होता है वो ब्रिज होता है अमंग द टूस। तो हमने देखना होता है कि टैक्स पेयर जो है वो टैक्स दे इन अकॉर्डेंस विद लॉ, और जो एफबीआर हैं उनके ऑफिशियल्स जो हैं वो भी इन अकॉर्डेंस विद लॉ ही टैक्स लें, कहीं एक्सेसिव ना हो। तो इनका टैक्स जो टैक्स फंक्शनरीज हैं इनका रोल पुलिसमैन वाला ना हो इनका, क्योंकि सॉफ्ट होना चाहिए। जस्ट लाइक ऐसे ही समझ लें कि हनी बी जिस तरह अपना जूस लेती फ्रॉम द फ्लावर, तो इनका वो रोल होना चाहिए, इनको मार्केटिंग स्किल होनी चाहिए इनके पास, बजाय आप उस ट्री को काट ही दें उसके फ्रूट्स आप लें। तो बेसिकली ये ट्रेनिंग नहीं होती या उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है। अच्छा मंशा साहब, बेसिकली मैं यहाँ पर, आपने भी जिक्र किया कि जो अवाम के ऊपर टैक्स डाला जाता है और अवाम की शामत आ जाती है, अच्छा इसमें किस चीज का ज्यादा कसूर है? एक तो पॉलिसी मेकिंग है और एक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन है। अब अगर एफबीआर के लोग ही, जैसे देखा जाता है कि वही पॉलिसी मेकिंग में शामिल होते हैं और टारगेट भी उन्होंने ही अचीव करने होते हैं, तो वो ऐसी पॉलिसीज क्या नहीं दे देते कि जो आवाम के लिए मुश्किल होती है और उनके लिए आसान होती है? इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बेसिकली सिर्फ एफबीआर नहीं है, सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ख्याल में तो लेजिस्लेटर पे है। उसमें इतनी कॉम्प्लिकेशंस और लकूनाज होते हैं, और वहां जब पॉलिसी मेकिंग होती है, फिस्कल पॉलिसी जो इसको डील करती है, हमारी फिस्कल पॉलिसी पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी और इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज, इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। और जो हमारी टैक्स है ये टैक्सेज एज ए रेवेन्यू मैयर नहीं होने चाहिए, इकोनॉमिक मैयर होने चाहिए।
तो हम क्योंकि हम हमारे मुल्क में जिस जस्ट लाइक दूसरे अंडर डेवलप्ड कंट्री है तो यहाँ टारगेट लेजिस्लेशन होती है और दूसरा उसमें रोल प्ले करता है जो एफपीआर है उसकी जो रिकमेंडेशंस होती हैं या पॉलिसी में उनका रोल प्ले ज्यादा होता है और जो दूसरे लोग हैं जैसे ट्रेड है चैम्बर ऑफ कॉमर्स है चार्टर्ड अकाउंटेंट है इकोनॉमिस्ट है टैक्स बार है उनकी ज्यादा सुनवाई नहीं होती क्योंकि वहां जब कहा जाता है कि इतने हमारे टारगेट हैं आपके जो टारगेट है वो हायर साइड पे हैं तो उनको पूरा करने के लिए फिर हमारे जो डिडक्शन के मोस्ट ऑफ द सेक्शन जो हैं जैसे कि तकरीबन 75 के करीब सेक्शंस हैं तो उसमें कोई 5% है कोई 10% है तो उनको फिर देखा जाता है कि इस एरिया में से कितना रेवेन्यू आया उसको रिवर्स वर्किंग कर लें तो कितना चाहिए उतना आप कर लें जैसे 17% सेल टैक्स है आपको जितना चाहिए 20% कर लें 30% का दूसरा टारगेट आ जाएगा उतने बजट आप मीट अप हो जाएगा लेकिन एज ए इकोनॉमिक मेजर इंसेंटिव बेस वो चीजें नहीं होती तो इसलिए फिर क्योंकि जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो भी नहीं होते तो इसलिए जब पॉलिसी बन जाती है और लेजिस्लेशन की फॉर्म में हो जाती है फिर वहां जुडिशियरी भी कुछ नहीं कर सकती वो जो लेजिस्लेटर है वो सुप्रीम है उसने कर दिया है उसने डीमिंग प्रीमियम बहुत ज्यादा है जब आप देखें तो हमारा रियल टैक्सेशन तो है ही नहीं वहां फाइनल डिस्चार्ज टैक्स है मिनिमम टैक्स है जितना डिडक्शन हो गया सारा मिनिमम मैं सेपरेट ब्लॉक टैक्सेशन है रियल टैक्सेशन जो रियल इनकम पे है वो तो है ही नहीं है अब तो हमारा डायरेक्ट टैक्सेशन है ही नहीं है सारे डायरेक्ट टैक्स में इनडायरेक्टली जितनी विद होल्डिंग होती है वो पार्ट ऑफ प्राइस हो जाती है और प्राइस से वो अल्टीमेटली प्राइस का पार्ट बनती है तो शिफ्ट हो जाती है ऑन द कंज्यूमर तो अल्टीमेटली वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन बनती है तो उससे फिर इन्फ्लेशन होती है फिर ये हमारा सिस्टम जो है डिस्प्रोपोर्शनेट सिस्टम है जो लोअर इनकम ब्रैकेट में जो फॉल करते हैं उन पे हैवी बर्डन है जो हायर में है उन पे लोअर बर्डन है उनकी डिस्पोजल इनकम जो है हायर इनकम टैक्स ब्रैकेट में जो लोग हैं उनकी डिस्पोजल इनकम ज्यादा बचती है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई होता है जो लोअर वाले होते हैं वो हैंड टू माउथ रहते हैं। अच्छा मतलब इसमें आप प्रॉब्लम जो आपने डिस्कस किया ये बेसिकली आवाम की प्रॉब्लम है और बड़ी जेन्युइन बेसिक प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन आप क्या समझते हैं आपको इसका कोई सोल्यूशन जारी बात है आप बार के साथ पिछले 35 साल से एसोसिएट है तो आदरी पता आपने सॉल्यूशंस भी दिए होंगे इस गवर्नमेंट को या पिछली भी गवर्नमेंट्स को आप क्या समझते हैं कि इसका जो बुनियादी हल है वो है क्या इसमें बेसिकली चार एरियाज हैं जिनको देखना चाहिए पहले तो हमारी लेजिस्लेशन है तो लेजिस्लेशन अगर सही होगी और रियल टैक्सेशन की तरफ जाएंगे हम रियल डायरेक्ट टैक्सेशन होगी और उसमें तमाम स्टेक होल्डर होंगे और उसको फिर ये जो एक्सेसिव पावर या डिस्क्रिशनरी पावर है उसको मिनिमम किया जाएगा तो वो वाले सारे स्टेक होल्डर होंगे उनके मुताबिक पॉलिसीज हमारी फिस्कल पॉलिसीज होंगी तो लेजिस्लेशन को सिंप्लीफाई करने का भी जरूरत है उसको उर्दू में भी लाने का जरूरत है ताकि हमारी लैंग्वेज कुछ और है उसमें इंटरप्रिटेशन के ही मैटर रहते हैं जैसे नॉट अंडरस्टैंडिंग का मैटर है जी ये कौन समझता है तो हमारी लैंग्वेज कुछ है और चीजें कुछ है तो इसलिए सिंप्लीफिकेशन जितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो कई शेड्यूल है 500 सेक्शन है तो इस तरह उनको सिंप्लीफाई करना और अवेयरनेस क्रिएट करना उन सेक्शनों की उनकी इंप्लीकेशन की जितना भी उसको मिनिमाइज जैसे हमारे काफी सारे जैसे 3 स्टैचू सेपरेट है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है सेल टैक्स है और इसरा एक्साइज है तीसरा कस्टम है तो इनके जो प्रोसीजरल सेक्शन है वो सारे एक ही हैं लेकिन आपस में वो भी आपस में इनकंसिस्टेंट है तो एटलीस्ट जो अपील मैटर्स हैं ये वो सारे एक कर दिए जाएं और जो चार्जिंग सेक्शन है एक ही स्टैचू बना दिया जाए और इजी उर्दू में भी इंग्लिश में भी बना दिया जाए और जो ऑप्शन ये जो प्रपोजल आपकी है बल्कि सोनिया आपको भी इस पे आप बात करें कि जो प्रपोजल है कि उर्दू में जो अगर इस तरह की लेजिस्लेशन हो जाए तो आम आदमी के लिए कितना आसान हो जाएगा जो सेक्शन प्रोसीजर है जैसे अपील फाइल करनी है सारों में एक ही फोरम है तो एक ही प्रोसीजर होना चाहिए उसमें दूसरा है तो एक ही फोरम होना चाहिए तो एक तो लेजिस्लेशन के जो प्रॉब्लम है इनकी सोल्यूशन की जरूरत है ये सही हो जाएंगे तो फिर आगे कोर्ट के लिए मिनिमम इंटरप्रिटेशन होगी अब जितना कॉम्प्लिकेटेड होगा तो उतनी ज्यादा इंटरप्रिटेशन होगी उतने ज्यादा मसाइल होंगे उतने ज्यादा लोग अफेक्टिव होंगे और सारे स्टेक होल्डर को साथ चल के लेके फिस्कल पॉलिसी जो है वो भी इंडिपेंडेंट कहीं बननी चाहिए सारे स्टेक होल्डर के साथ बजाय एफपीआर को नहीं वो एज ए एक स्टेक होल्डर होना चाहिए बाकी को भी सारी उनकी इनपुट लेनी चाहिए दूसरी सुखेरा साहब मुझे यहाँ पे ये बताइएगा कि जैसे आपने कहा कि सबका जो है स्टेक होल्डर्स को भी साथ लेके चलना चाहिए इमरान खान साहब का कहना है कि जो टैक्स निजाम में उन्होंने बहुत बहुत बेहतरी के दावे किए हैं हुकूमत भी दावे कर रही है कि हम मुएशियत को जो है मुस्तहकम कर रहे हैं क्या तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने टैक्स बार के मसाइल को संजीदा लिया है
ये जो पहले मैं पहले वाला क्वेश्चन पूरा बिल्कुल कर आप देता तो मुकमल, ज्यादा बेहतर था। मुकमल कर लें जी, आज जी, का क्या क्वेश्चन है वो फिर इसको दूसरा जो है जो कैपेसिटी बिल्डिंग है एफबीआर की, तो एफबीआर में इस वक्त सारे जितने भी हैं वो सारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। मेरे ख्याल में वहां भी कुछ प्रोफेशनल भी होने चाहिए, चार्ट अकाउंटेंट भी हो, उसमें लायर्स भी हो, इकोनॉमिस्ट भी हो। अगर आप प्रॉपर कलेक्शन करना चाहते हैं उनमें कंपटीशन भी हो, फिर पता लगे कि कलेक्शन किसने ज्यादा किया, पुलिस मैन का रोल ना हो तो वो लोग होंगे तो फिर देखा जाएगा। जैसे सिक्योरिटी एक्सचेंज है या दूसरे अदारे हैं तो वहां कंपटीशन होगा तो फिर रेवेन्यू कलेक्शन भी एक तो ज्यादा होगी, एक अप्रोप्रिएट होगी और पुलिस मैन का रोल नहीं होगा। दूसरा ये कि जुडिशरी सिस्टम जो है हमारा टैक्स के लिए जिस तरह दूसरे बैंकिंग है उसके लिए बैंकिंग कोर्ट है, यहाँ भी एक टैक्स रिफॉर्म कमीशन बना था। अच्छा, उन्होंने रिकमेंड किया था कि एक फेडरल टैक्स कोर्ट होना चाहिए, तो वहाँ फेडरल टैक्स कोर्ट में वहाँ जजेज होने चाहिए जो टैक्स के जजेज हों, तो ये बजाय कि अब जो एडजुडिकेशन भी ये खुद ही करते हैं और फिर कमिश्नर बिल भी नहीं क्या होता है, ट्राइब्यूनल में जो है वहां भी मेंबर इन्हीं का ही होता है। अब इन्होंने कहा जी इनकी अकाउंटेबिलिटी के लिए एफटीओ होगा, तो एफटीओ में भी इन्हीं के बंदे हैं, इंडिपेंडेंसी तो कहीं है इनके साइड जाए तो कहां जाए। टैक्स पेयर जो है उसको भी कोई इंडिपेंडेंट जुडिशियल का राइट मिलना चाहिए। अब जो ट्रिब्यूनल है वो फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी है, फैक्ट में आगे जा ही नहीं सकते, अब उसको तो इंडिपेंडेंट राइट ऑन द फैक्ट मिला ही नहीं है। टैक्स पेयर को तो जो हिटें लगाई है वही अल्टीमेटली फाइनल होगी, या वो फिर दूसरी साइड पे जाना पड़ेगा उसको, वो फोर्स मजबूर होगा दूसरी साइड पे जाए या क्या कुछ ना करे या किसी से मिले मिलाए। तो इसीलिए एक इंडिपेंडेंसी जो इंडिपेंडेंट जैसे बैंकिंग कोर्ट है या ट्राइब्यूनल के ट्राइब्यूनल के हैं, क्या नाम है, एनवायरमेंट के हैं या ट्रेडमार्क वालों का है, जी जी। तो वहां जो केसेस सिविल नेचर के होते हैं वो भी होते हैं और साथ जो क्रिमिनल या पीनल नेचर के होते हैं वो भी होते हैं। तो यहाँ कोर्ट होगा तो कोर्ट में भी आगे फिर एक सिंगल बेंच दे दें, पहली अपील सिंगल बेंच को हो, दूसरी अपील फिर वहां डीबी हो टैक्स कोर्ट में, तो वहां से फिर हाई कोर्ट में रेफरेंस वगैरह जाए, ताकि इंडिपेंडेंट टैक्स पेयर को इंडिपेंडेंट फेडरल कोर्ट में या जब प्रोविंशियल है तो प्रोविंशियल कोर्ट भी हो टैक्स पेयर के, तो इंडिपेंडेंट एटलीस्ट उसको राइट हो वो ये गिला ना कर सके कि इन्हीं लोगों के हाथों में रहा अल्टीमेटली नहीं कट सही रहा है। तो एक तो इंडिपेंडेंसी आप जुडिशरी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, और एंड में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो कलेक्शन होती है उसकी यूटिलिटी कहाँ है, ये यूटिलिटी कहाँ यूटिलाइज हो रहा है, इसकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ये स्टेट को बताना चाहिए कि ये वाले इतने इतने टैक्स हुए हैं, इसके ये एरिया में वेलफेयर में हुए हैं, ये एजुकेशन में, ये हेल्थ में, ये यूटिलिटी में है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो हमारा जो बेसिकली मसाइल है हमारे मुल्क के, हमारा मेजर पोर्शन तो डेट सब्सिडी के लिए चला जाता है, जो हमने फॉरन प्रिंसिपल अमाउंट इंटरेस्ट मार्कअप वो देने होते हैं वो, प्लस ये कि हर साल जो मार्कअप है वो फॉरन करेंसी में देना होता है, तो हमारी करेंसी जो इंस्टेबल है तो उस वजह से हमें वो मल्टीप्लायर इंपैक्ट पड़ता है, तो वो वाला एरिया है। दूसरा जो है वो हमारे रेवेन्यू के डिफेंस के मैटर है, तीसरा एडमिनिस्ट्रेशन कास्ट है, यही सारा जितने फंड इकट्ठे होते हैं वही सारे पूरे जाते हैं, बाकी वेलफेयर के लिए बचता कुछ नहीं है। और दूसरे हमारी डिक्टेशन जो है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के वो डेट सर्विसिंग होती है, वो अपने टर्म कंडीशन डिक्टेट कराते हैं और अपनी जितने उनके नीड्स होती हैं उतने वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली लगा के और अल्टीमेटली वो कंज्यूमर पे यूजर पे चलते हैं, तो उनको बर्डन बेयर करना। तो ये एरिया जो है अच्छा मुझे सब अभी मैं सोनिया ने भी एक सवाल किया था, मैं उसकी तरफ आना चाहूंगा क्योंकि मेरे ख्याल से हम थोड़ा सा हल्का सा सियासत को भी इसमें शामिल कर लें कि गवर्नमेंट क्लेम करती है कि हमने टैक्स कलेक्शन के निजाम को बहुत बेहतर कर दिया है, अब इसमें सच्चाई कितनी है, क्योंकि आप तो ग्रास रूट लेवल से लेकर स्ट्रेटजी लेवल तक इस मामले को समझते हैं, तो इसमें क्या सच्चाई है, क्या गवर्नमेंट ने ऐसे वाकई मेजर्स ले ली है जिससे टैक्स निजाम बेहतर होने जा रहा है, या फिर ये सिर्फ एक मीडिया के ऊपर एक प्रोपेगेंडा ही हो रहा है कि बस हम बेहतर कर रहे हैं, असल हकायक है क्या? बेसिकली एक बात तो अच्छी उन्होंने की है, जो अच्छी चीज हो वो जो इन्होंने 40 बिलियन का रिफंड पैकेज दिया है, लेकिन आगे इस्तेमाल कैसे हुआ है वो अलहदा बात है कि किसको कितना मिला है और किसने किसको दिया है और पिक एंड चूज कितनी पॉलिसी हुई है उसको देखने वाला है। बाद लोगों ने तो कोर्ट से भी डायरेक्शन ली है तो उसको भी रिजेक्ट कर दिया है, तो बाद को जानने वाले थे वहां फिर उन्होंने स्पेशल किया है। निजाम तो फिर वही चल रहा है, निजाम वही चलता है। तो वो टैक्स ये जो रिफंड पैकेज है ये एक अच्छी चीज की है। दूसरी अच्छा। जो स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनके कमर्शियल बिल्स हैं या मीटर्स हैं
उसमें भी उन्होंने कोई कंसेशन दिए हैं, जो कमर्शियल अंडरटेकिंग है वहां भी बिलों में कंसेशन दिए हैं, उनके बिल नहीं आए या कम आए, ये दो चीजें तो मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। अच्छा। बाकी निजाम में जो टैक्स मेजर्स हैं उसमें उसी तरह है, कुछ चीजें जो हमारे 79 ऑर्डिनेंस है भी पहले थी असेसमेंट वाली वो दोबारा आ गई है। पहले जिस तरह ये 79 वाला ऑर्डिनेंस आया था तो यहाँ था कि जी डेफिनेट इन्फॉर्मेशन अक्वायर्ड फ्रॉम ऑडिट होगी तो फिर वो अमेंडमेंट कर सकता है, ये इन्होंने खत्म कर दिया। डेफिनेट इन्फॉर्मेशन ना भी हो ऑडिट किया है तो जो वर्दी हिटर लगा ले। और फिर 177 में असेसमेंट का जी सेक्टर बेस पे पुराना काम होता था जी, पैरेलल केस है जी या कोई जीपी रेट है जी सेक्टर बेस पे, अब वो एफबीआर प्रेस्क्राइब करेगा, अब असेसमेंट उस पर होंगी तो ये तो फिर वो गैस वर्क वाला काम होगा। फिर तो हमारा पुराना जो ऑर्डिनेंस असेसमेंट वाला था उस पे हम जाएंगे, डिटर्मिनेशन या डेफिनेट इन्फॉर्मेशन वाला, फिर तो वही ऑर्डिनेंस रहना चाहिए था, फिर इसकी क्या जरूरत थी। तो इस तरह की कोई वो चीजें जो है कुछ चीजें बेहतर है कुछ जैसे निजाम चल रहा है, ओवरऑल निजाम को सही करने की जरूरत है, लेकिन बाकी बदल। अच्छा सुखेरा साहब, मेरा ये सवाल है क्योंकि आपका एक टैक्स बार में जो है एक बहुत लंबा अरसे आपने काम किया है, एक रोल है आपका बहुत बड़ा। अच्छा आपने क्या देखा है कि माजी में भी हुकूमतों को टैक्स डिपार्टमेंट और टैक्स बार की बेहतरी के हवाले से आप तजवीज भी देते रहे हैं, ये इन्होंने इस पे कोई अमल भी लाए, अमल भी इख्तियार किया है या बस एक कान से सुन के दूसरे कान से मतलब निकाल? बेसिकली बैठ साहब इस वक्त तो अपने ही उनके बड़े मसाइल है। नहीं नहीं मैं पिछली हुकूमतों का भी जिक्र कर रही हूँ। पिछली हुकूमतों ने डिफरेंट गवर्नमेंट ने सबसे बेस्ट जो था ना, बेसिकली जब लीडर बेस्ट होता है ना तो नीचे भी उसके इम्पैक्ट आते हैं। तो यूसुफ अब्दुल्ला जब आए थे जी, तो उस वक्त निजाम उन्होंने बेहतर किया था। अच्छा, उन्होंने एक तो सबसे बेहतर ये किया था कि उन्होंने कैटेगराइज कर दिया था टैक्स पेयर को, लार्ज टैक्स पेयर यूनिट उन्होंने अलहदा कर दिया ताकि हम देखें कि ज्यादा कंट्रीब्यूटर कौन से हैं। एक मीडियम टैक्स पेयर उन्होंने बना दिए, एक स्मॉल वाले बना दिए, अब उससे ये सेग्रीगेशन हो गई। फिर बजाय इसके कि एक जैसा ही हम एक जैसा ही स्क्रू ना सबको करें, हायर पेड को देखें कि वहां से कितने पैसे आ सकते हैं। इस वक्त भी हम देखें तो 80% जो है वो 20% जो है वो लोग टैक्स देते हैं, 20% जो है 5-6% है जो 80% पूरा कर देते हैं, बिल्कुल बड़े बड़े जो है बिल्कुल ऐसे कहते हैं। और बाकी वाले उनको हम ज्यादा तंग भी करेंगे तो वहां से क्या निकलेगा, लेकिन उनपे अगर उसी तरह की इन्वेस्टमेंट और लाए, हम इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को लुक्रेटिव करें, फॉरन इन्वेस्टमेंट ज्यादा आए, यहाँ जो सेक्टर है उनको प्रमोट करें, इंसेंटिव भेज दें, और जिस तरह के वो यूनिट है जो 5% है उनको 5 की जगह 10 करें तो ये डबल बजट हो जाएंगे हमारे। तो इसीलिए हमें उनको वो जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं या बड़े यूनिट्स हैं लार्ज टैक्स पेयर वाले हैं जिनकी बिलियन से ज्यादा एक ज्यादा टर्नओवर्स हैं, उस तरह के ज्यादा से ज्यादा करने चाहिए। और अगर आप छोटे छोटे स्मॉल जितने इंटरप्रेन्योर्स हैं या डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो कॉटेज जिसको हम कहते हैं, उनको तो वैसे ही प्रमोट करना चाहिए, उनको तो इंसेंटिव देने चाहिए ताकि वो ग्रो करें, फिर ग्रो के बाद वो पहले सर्वाइव करते हैं, फिर ग्रो करते हैं, फिर प्रॉस्पर होंगे, फिर वो भी बड़े बन जाएंगे। तो इसलिए उनको ज्यादा नहीं कर, उनको ज्यादा आपने जिक्र किया कि जो गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्शन का जो निजाम है उसमें जो हायर जो इनकम जनरेट करते हैं उनको उनसे रेवेन्यू जनरेट करना चाहिए टैक्स के हवाले से। अच्छा हमारा एक बड़ा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसको शायद माजी की हुकूमतों ने भी इतना अच्छा एड्रेस नहीं किया कि आम आदमी टैक्स देता है, गवर्नमेंट टैक्स लेना चाहती है, लेकिन उन दोनों के बीच में एक करैक्टर है जिसको हम विद होल्डिंग एजेंट कहते हैं। अब वो विद होल्डिंग एजेंट का जो करैक्टर है असल क्या मसाइल की जड़ वो नहीं है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि सेल्स टैक्स लिया जा रहा है, आम आदमी से लिया जा रहा है, गवर्नमेंट को पता नहीं है कि कितना लिया जा रहा है क्योंकि डिजिटलाइज निजाम नहीं है। तो आप नहीं समझते कि आम आदमी टैक्स दे रहा है गवर्नमेंट लेना चाहती है और जो मिडिल मैन है वो उसमें जो बहुत ही एक नेगेटिव रोल अदा कर रहा है इस पूरे सिस्टम में? बेसिकली ये जो विद होल्डिंग टैक्स का नाम है, एक तो सेल टैक्स में, एक है इनकम टैक्स में। इनकम टैक्स में ओरिजिनली ये यूके में स्टार्ट हुआ था तो वहां उसको कहते थे पे एज यू अर्न स्कीम। ये एम्प्लाई की रिक्वेस्ट पे हुआ था, एम्प्लाई ने कहा था कि हम जो है
एक माह के बाद या दो माह के बाद अगर हम साल बाद टैक्स देंगे तो हम दे नहीं सकेंगे, इसलिए हमारा आप टैक्स पहले ही काट लिया करें। बिल्कुल सही, ठीक है। तो उस बेस पे एम्प्लाई की रिक्वेस्ट पे स्टेट ने उन्हें टैक्स लगाया, तो वहाँ टैक्स साल के बाद बजाय के उन्होंने मंथली या क्वार्टरली या जैसे भी उनकी सैलरी थी या डेली बेसिस या वीकली बेसिस पे उनका विदहोल्ड कर लेते थे, वहां से ये निजाम आया। तो यहाँ क्योंकि ये एक रेवेन्यू मैयर है तो आपको डेली बेसिस पे टैक्स आ रहा है। जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है लाइक पाकिस्तान, ओरिजिनली ये सैलरी पे था, फिर इसको एक्सटेंड किया गया गुड सर्विसेज पे, अब इसमें हर एरिया हर ट्रांजैक्शन पे ही हमने बढ़ा दिया है क्योंकि इजी रेवेन्यू कलेक्शन है, जो भी टैक्स डिडक्ट हो रहा है इसमें एफबीआर का रोल ही नहीं, आपस में ही बजाय जिनकी ड्यूटी है कि वो कलेक्ट करें टैक्स, ये टैक्स पेयर भी आपस में कलेक्ट करके एक दूसरे का जमा करा रहा है। जो रोल होना चाहिए एफबीआर का वो रोल उन्होंने टैक्स पेयर में ही डाल दिया है। मोस्ट इंटेलिजेंट ये काम है कि बजाय एफबीआर के ऑफिशियल्स जो स्टेट ऑफिशियल्स हैं वो कलेक्ट करें और उनकी ड्यूटी है, वो कहते हैं टैक्स पेयर ही आपस में कलेक्ट करें और डिपॉजिट कराएं, जो नहीं करेगा उसमें फिर मल्टी पेनल्टीज है, एक तो विद होल्डिंग नहीं देगा तो वो प्रिंसिपल भी लेंगे, फिर डिफॉल्ट सरचार्ज भी लेंगे, फिर उनकी पेनल्टी भी है 10-15%, फिर उनका एक्सपेंस भी डला हो जाता है, अगर आपने नहीं टैक्स किया तो उसमें 30% और टैक्स लाएगा, फिर 2 साल की कैद भी है। वो टैक्स कलेक्टर एजेंट जो है अदरवाइज टैक्स कलेक्टिंग ऑफिशियल तो ना कुछ करें कोई बात नहीं है, ये टैक्स फिर आपस में ना करें तो इस तरह की मल्टी पेनल्टीज है, तो इस तरह वो वाला उसमें फिर कुछ जो आपने लूपहोल की बात की है ये भी है। बिल्कुल सही। ये इसका इस तरह है कि पहले 3-4 साल पहले पुराने बैंकों में था ये कि बैंक वाले जितनी विद होल्डिंग करते थे जमा नहीं कराते थे और एफबीआर के साथ मिलके फिर उनको उसकी कंसेशन भी दी जाती थी कि आप डिफॉल्ट सर चार नहीं लगेगा, एसआरओ बकायदा एक इशू होता था, 3-4 साल इशू होता रहा, तो अब नहीं हो रहा लेकिन होता रहा कि आप डिफॉल्ट सर चार्ज ना दे जी, आप ओरिजिनल प्रिंसिपल ही जमा करा दे, यानी कि मिनटे की जाती नहीं कि ये आप जमा करा रहे, करप्शन को लीगलाइज किया गया बेसिकली। तो इस तरह 4-5 साल वो सर्कुलर आते रहे, वो सेक्शन 205A था जिसमें एफबीआर जो फेडरल गवर्नमेंट के पास पावर है जिसको चाहे वो डिफॉल्ट सर चार्ज वेव ऑफ कर सके। अच्छा मुझे तब अभी आपने ये तो है, मैंने इनकम टैक्स की बात सही सही, अब सेल्स टैक्स, अब सेल टैक्स की बात है। सेल टैक्स में क्योंकि हमने ये अपना निजाम वैट सिस्टम बाहर से बारो किया है और वर्ल्ड बैंक भी नहीं चाहता कि हम इसको इनपुट का निजाम खत्म करें, इनपुट में लूपहोल है, वहां इनपुट में जो फेक इनवॉइसिंग फ्लाइंग ये वो फिर उतना गवर्नमेंट के पास पैसे जाता नहीं जितना लोग ले जाते हैं मिल मिला के या जैसे भी, तो वो इनपुट खत्म करते हैं तो नेट एक्चुअली तो ये नेट टैक्स जो है सेल टैक्स जो है वैसे 17% है, नेट इम्पैक्ट अगर इसका लेंगे तो 4-5% होगा, ठीक है ना। अगर हम डायरेक्ट सेल पे ही लगाएं तो वो उससे ज्यादा भी आ सकता है और उसमें चांसेस नहीं है ये वीएन के या इन चीजों के, लेकिन वो फिर वर्ल्ड बैंक या वैट की स्कीम से थोड़ा सा हट जाएगा क्योंकि वैसे तो है कुछ चीजों पे, जैसे इसको 3 इसमें बेसिक स्कीम्स होती हैं सेल टैक्स में, एक होती है ओरिजिनल स्कीम, ओरिजिनल स्कीम बनाया तो जहां गुड्स प्रोड्यूस होती है वहीं टैक्स लग जाता है, जैसे थर्ड रूल के आइटम है मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर ही लगा देता है तो एंड तक वो ही सेल टैक्स चलता है, उसमें लूपहोल के चांसेस नहीं होते, इसको कहते हैं ओरिजिनल स्कीम। एक होती है अल्टीमेट डेस्टिनेशन स्कीम कि जहां एंड पे सेल होगी रिटेल वाली वहां टैक्स लगा दिया जाए, वहां डायरेक्ट 15-17 कलेक्ट कर लिया जाए, तो वो स्कीम है। और तीसरी जो हमारे यहाँ चल रही है, हमारे यहाँ मिक्सचर है, उसको कहते हैं चेन स्कीम, जितनी वैल्यू एडिशन होगी इनपुट आउटपुट पे चलता जाएगा। तो इस तरह इनपुट आउटपुट टैक्स में क्योंकि नॉन डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है तो उस सिचुएशन में या जहां कहीं जीरो रेटिंग होगी एक्सपोर्ट होगी तो वहां इनपुट की इनवॉइसिंग की फ्लाइंग फेक होती है, फिर फंड ले लेते हैं लोग या इस तरह का काम चलता है, उसकी मॉनिटरिंग की जरूरत है क्योंकि आईटी का दौर है तो यहाँ तो हर चीजें हो सकती है, उसको मॉनिटरिंग सिस्टम किया भी है एफबीआर ने तो और ज्यादा उसमें किया जा सकता है। इसमें आप क्या कहते हैं सुखेरा साहब, कितनी गुंजाइश है, इसको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है? आईटी का दौर है, हर चीज की मॉनिटरिंग हो सकती है आज तो ना, दुनिया तो इंसान की ट्रांजैक्शन की और बंदों की मूवमेंट को पकड़ा जा सकता है, तो ये डॉक्यूमेंटेशन ये तो ट्रांजेक्शन तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल अच्छा, आपने जिक्र किया कि बैंक जो थे उनसे रिक्वेस्ट की जाती थी कि आपकी मेहरबानी है जो टैक्स आपने हमारे बिहाफ पे
आम आदमी से इकट्ठा किया वो हमें जमा करवा दे, आम आपको इसमें कोई पेनल्टी नहीं जाएगी, जिससे बैंक सरकार माफ किया जाता है, माफ किया जाता है, क्योंकि साल में फिर उन्होंने इस्तेमाल भी किया, उससे लैंडिंग भी। हाँ जी देखिए बिल्कुल ऐसी। अच्छा इसमें आजकल जो एक नई एडिशन हुई है, जैसे तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई है, ये चेन जो सुपर स्टोर्स की जो चेन्स हैं, जैसे ब्रांड्स हैं, उनके ऊपर भी आजकल एक जीएसटी इंप्लीमेंट हो चुका है, और जब भी हम परचेजिंग करने के लिए जाते हैं तो हमें बताया जाता है कि जी 16% जीएसटी ऐड हो गया है और इस पर आप इसके पैसे दें। अच्छा अब क्या ये जो इस चीज को इंश्योर किया जाता है कि वो जो टैक्स हमसे कलेक्ट कर रहे हैं वो तो हमसे कैश में टैक्स ले रहे हैं, जो सेल्स टैक्स भी हमसे वो कैश में ले रहे हैं, वो गवर्नमेंट को जमा करवा रहे हैं, इसका भी कोई मॉनिटरिंग का निजाम मौजूद है कि हमारा जो टैक्स है वो बस मिडलमैन खा जाता है? बेसिकली तो आजकल एक POS है, पॉइंट ऑन सेल, उन्होंने सिस्टम इंस्टॉल किए हैं। अच्छा, उसमें कोई 450 या 490 कितने हैं उन्होंने आइडेंटिफाई किए। अच्छा, इनके जो रिटेल स्टोर है इन पे वो सिस्टम लगाएंगे, ठीक है, तो सिस्टम से फिर वो बाकी सारों को तो नहीं कर, लेकिन उसके लिए उन्होंने कोई हैवी पेनल्टी इम्पोज की है, तो इनशियल स्टेज पे FBR वो इंस्टॉल करेगा अपने सिस्टम, और उससे फिर मॉनिटरिंग जो है प्रॉपर ये गवर्नमेंट के नॉलेज में है या FBR फंक्शनिंग के नॉलेज में है, तो इसको मॉनिटरिंग करना चाहते हैं, सही, तो कर भी रहे हैं। अच्छा, ऐसा ऐसा इम्प्लीमेंट होगा। अभी पिछले साल ये NIC जो है NIC का उन्होंने कहा जी मैंडेटरी होना चाहिए, नहीं होगा तो उस पे आपको फर्दर टैक्स लग जाएगा, इस तरह के नाम में कुछ बेहतरियां आई हैं। अच्छा सही, यानी कि आप समझते हैं कि हम कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन के मसाइल हैं। अच्छा सही, इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हो जाए तो ठीक है, अगर हम इस पे इम्प्लीमेंट करें, इम्प्लीमेंटेशन आपका कहना है अगर प्रॉपर हो जाए तो इस सिस्टम को बहुत बेहतर किया जा सकता है। अच्छा सुखेरा साहब ये बताएं कि IMF ने तकरीबन $5 अरब टैक्स इकट्ठा करने का जो टारगेट दिया था, हुकूमत तो पिछले साल का टैक्स टारगेट भी जो है अभी तक मुकम्मल नहीं कर पाई, पूरा नहीं कर पाई, आप क्या समझते हैं कि टैक्स इकट्ठा करने के लिए हुकूमत को क्या इकदाम करने चाहिए इस हवाले से? बेसिकली पहले भी जब कभी शॉर्टफॉल होता है तो मिनी बजट आ जाता है जी, तो उसमें टैक्स का एक दो यही आप बढ़ा दें, जितने विद होल्डिंग है इनको बढ़ा दें, और सेल टैक्स का 17% 20% कर दें तो 3% तो कहाँ के कहाँ चला जाएगा। तो इसी तरह की स्कीम फिर इंट्रोड्यूस की जाती है, या फिर कोरोना का बहाना ले लिया जाएगा कि डेफर पेमेंट कर दें तो कोरोना का फायदा कुछ फायदा भी हुआ है। सही, ठीक है ना? सही, सही। तो अच्छा एक और सवाल मेरा यहाँ पर वो ये है कि पाकिस्तान कभी भी जो है टैक्स टारगेट अभी तक हासिल नहीं कर पाया, आप क्या समझते हैं कि ऐसा क्यों है, क्या टारगेट गैर हकीकी होते हैं? हमारे टारगेट सारे जो है वो IMF की डिक्टेशन पे ही होते हैं, और डेट सर्विसिंग को प्रायोरिटी होती है, सही, डिफेंस डेट सर्विसिंग ये दो चीजें होती है, उसके मुताबिक ही फिक्स होती है। वैसे तो टारगेट उतने ही है जितने पहले थे, ड्यू टू इन्फ्लेशन से ज्यादा लगते हैं। सही, अगर आज हम पिछले साल 3 ट्रिलियन थे तो 4-5 सालों में 5 ट्रिलियन भी हो गए हैं, तो अगर वैल्यू ऑफ गुड्स भी देखें तो इन्फ्लेशन भी देखें, गाड़ी अगर कोई 15 लाख की थी तो आज कितने 50 लाख की नहीं है, तो उसी के मुताबिक देखते हैं चीजें उसी तरह ही हैं, लेकिन हमारी क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से डिवेल्यूएशन की वजह से वैल्यू ऑफ मनी कम हुई है, इन्फ्लेशन से वो ज्यादा वैल्यू बनती है, तो अकॉर्डिंगली उसी तरह ही हम मूव कर रहे हैं, रियल सेंस में देखे तो उसी तरह ही है, तो टारगेट फिर हम उसके मुताबिक होते हैं, रेट शेट भी उसी तरह बढ़ते हैं, तो जिस तरह हमारा इनकम जो इनकम का ब्रैकेट है वो भी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपना देख लें, हमारा देख लें हर एक का, तो हमारी रेवेन्यू भी उसी तरह बढ़ते हैं उसी हिसाब से उसी तरह से। अच्छा मंजू साहब बेसिकली इस वक्त एक अगर हम पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक इन्फ्लेशन का जो एलिमेंट इस वक्त बहुत ज्यादा है, इसमें आप क्या समझते हैं क्या इसमें टैक्स का अमल दखल ज्यादा है या मिसमैनेजमेंट का इश्यू है कि आम आदमी टैक्स तो पहले भी दे रहा था और आम आदमी को पहले टैक्स लग भी रहा था, हर एक चीज में वो टैक्स दे रहा था, लेकिन अब जो शोर है वो बहुत ज्यादा है, आप क्या समझते हैं कि टैक्स के मसाइल है कि ये मिसमैनेजमेंट हो रही है? बेसिकली टैक्स और इकोनॉमिक एक्टिविटी दोनों आपस में कनेक्टेड है, जब कोई चीज इनस्टेबिलिटी होती है, इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी हो, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो या सोशल इनस्टेबिलिटी हो, तो उस सिचुएशन में जब इकोनॉमी अफेक्ट होती है तो फिर आपके रेवेन्यू अफेक्ट होते हैं और इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो ये कंबाइंड डिमांड सप्लाई का कंसेप्ट भी होता है, डिमांड उससे भी इन्फ्लेशन होता है, प्लस आपकी जो डिवेल्यूएशन वैल्यू करेंसी है तो उसका भी इफेक्ट होता है कि उसकी आपकी परचेजिंग पावर कम हुई है या ज्यादा हुई है, मॉनेटरी पॉलिसी भी इफेक्ट करती है, फिस्कल पॉलिसी भी इफेक्ट करती है, ट्रेड पॉलिसी भी आपकी इफेक्ट करती है, और साथ ये फिस्कल पॉलिसी और दूसरी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो है वो भी आपकी इम्पैक्ट करती है, जैसे जैसे आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी लो डाउन होगी तो इन्फ्लेशन ज्यादा होगा, टैक्सेशन भी एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट ये भी अपना पार्ट प्ले कर
आता है, ठीक है, तो इन्फ्लेशन में इसकी भी कंट्रीब्यूशन होती है। जैसे ऐसे देख लें कि जैसे रियल एस्टेट सेक्टर है, ये पहले रियल एस्टेट सेक्टर जितनी भी लीगल या इलीगल जितनी भी मनी होती थी सारी वहां पार्क होती थी। वो सेक्टर अगर वो अंडर डेवलप्ड कंट्री में वो मेजर सेक्टर होता है। इस सेक्टर से आगे 32-33 और सेक्टर चलते हैं, जैसे सीमेंट है, जैसे स्टील है, जैसे आपका ब्रिक्स है, जैसे आपका फर्नीचर है, आपका इलेक्ट्रॉनिक है, सारे फैक्टर इंटरकनेक्टेड उससे हैं। तो इसलिए उस सेक्टर में पहले कोई कंट्रोल नहीं था, तो एक्टिविटी उससे बहुत ज्यादा ग्रो करती थी और ये सारी इंडस्ट्री जो फ्लोरिश होती थी। तो पिछले 5-6 सालों में रियल स्टेट को या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को थोड़ा सा टारगेट किया गया, इसमें परचेज सेल पे विद होल्डिंग कर दी गई, फिर इसमें कुछ और भी व्हाइट मनी 3% टैक्स लगा दिया गया और भी इसको उन्होंने डिस्करेज किया, तो उसकी वजह से इकोनॉमी हमारी एकदम 2-4-6 माह बिल्कुल नीचे चली गई और फिर ऐसा ऐसा रिवाइव होना शुरू हुई। अब फिर इस गवर्नमेंट ने इस सेक्टर में कुछ इंसेंटिव दिए कि आप इसमें आप फंडिंग करें तो आपको व्हाइट मनी होगी और उसके साथ आप एक बायर जिसको सेल करेंगे अगर वो परचेज करेगा तो उसको भी नहीं पूछा जाएगा। तो इसी तरह कुछ एक घर बेचने पे भी कुछ जो है उसकी एग्जम्पशन होगी, गेन नहीं होगा। लेकिन इन पॉलिसी तो ठीक बनाई है लेकिन पॉलिसी में कुछ लकुना छोड़ दिए जाते हैं, जैसे इसके लिए अप्रूवल्स हैं जी, LDA की अप्रूवल होगी और दूसरा ये है कि आप बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे और कैश होगा और दूसरा ये है कि आप इस पीरियड तक सेल करना उसके लिए मैंडेटरी होगा। तो उसमें जो बेसिकली उसमें कंडीशंस हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। जितनी ज्यादा पॉलिसी को थोड़ा सा ओपन करके दें, फ्रेंकली दें, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होती है। सही। अच्छा, देखा गया कि सुखेड़ा साहब के जो टैक्स पॉलिसी बनाने और इसे लागू करने वाले लोग टैक्स डिपार्टमेंट के ही होते हैं और टैक्स टारगेट आसानी हासिल करने के लिए गलत पॉलिसी बनाते हैं, इस मसले का हल आप क्या बताएंगे, क्या कहेंगे? वो मैंने पहले ही कहा था कि वो तमाम स्टेक होल्डर जो है, जैसे यही बनी थी ये पॉलिसी बनी है, तो इस सिचुएशन में सिर्फ FBR के लोग या इस तरह की जब आप किसी को इंसेंटिव देते हैं या आप एग्जम्पशन देते हैं तो खुले दिल से दें, ये ना हो कि उसमें हजारों पाबंदियां लगा दें, वो पैदा होने से पहले ही खत्म हो जाए, ठीक है ना, या वो पॉलिसी अडॉप्ट कर ले, बाद में कोई फॉल्ट हो जाए तो कहें लाए पैसे भी। पैसे लाए पैसे तो वो इस तरह नहीं होना चाहिए। जो अगर इंसेंटिव देते हैं तो खुले दिल से दें, फिर उसमें ये कोई इधर उधर की जो पॉलिसी या इन्वेस्टिगेशन या वो वाली कंडीशन है वो इस तरह की ना लगाएं। और बाद में पहले भी पॉलिसी जैसे 65D एक सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ तो उसमें कहा गया जी आपको ना अगर आप कोई नई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग लगाएंगे और अपने पैसे होंगे तो आपको 5 साल के लिए कोई टैक्स नहीं लगेगा, इवन ना आपका नॉर्मल टैक्स होगा, ना आपका आप पे होगा ये फाइनल टैक्स होगा, ना ही मिनिमम टैक्स होगा। लोगों ने लगाई इंडस्ट्री, बाद में जी ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, ये नहीं हुई जी, ये रिजेक्ट हो गई जी, विद होल्डिंग आप पे लगेगा ही। जब उसको लगा दिया तो उससे पैसे क्यों ले रहे हैं? विद होल्डिंग की इवन सुप्रीम कोर्ट तक की जजमेंट आ गई जी, टैक्स क्रेडिट और चीज होता है और एग्जम्पशन कुछ और चीज होता है। जब अल्टीमेटली उसने कुछ पैसे देने ही नहीं है तो अब अगर उसको एक तो आपने कह दिया कि आप पे कोई टैक्स नहीं होगा तो दूसरा आपसे विद होल्डिंग सारा उससे ले लें, भाई फिर उसकी लिक्विडिटी तो फिर ना हुई ना, लिक्विडिटी तो क्रंच में गई, फिर जो इंसेंटिव देना था उसके ऑब्जेक्टिव तो फिर डिफीट हो गए। अगर दिए तो फ्रेंकली बड़े हार्ट बिग हार्ट के साथ फिर इंसेंटिव दें या ना ही दें, ताकि पता तो चले ना कि जो मुझे इंसेंटिव दिया गया है मुझे उसका कुछ फायदा और जो उसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं भी वो भी उसके लिए लिबरल इंटरप्रिटेशन करें कि इंसेंटिव को डिफीट ना किया जाए। अगर कोई डिफीट करे तो उसकी अकाउंटेबिलिटी भी हो, या तो फिर दे ही ना किसी को, दिया है तो फिर एंड तक उसको मॉनिटरिंग करें और उसमें कोई अननेसेसरी कंडीशन ना लगे। सही। अच्छा उनसे सब आप भी देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो इस वक्त करंट इश्यू है वो कुछ अच्छी खबर भी है, उस पर भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगा कि जैसे डॉलर आपने देखा है कि पिछले 2-3 महीनों में तकरीबन 7 रुपए नीचे आ गया है, आप क्या समझते हैं कि इससे भी पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसको कोई बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि डॉलर नीचे आ रहा है लेकिन महंगाई तो ऊपर जा रही है, ये जो इक्वेशन है ये समझ में नहीं आ रही है, थोड़ा सा हमें इसके बारे में भी समझाएं कि ये कैसे हो? ये अगर डॉलर नीचे आता है तो आपकी डेट सर्विसिंग कम होगी,
जी आपको कम पैसे देने पड़ेंगे। एक तो इंसेंटिव जितना भी नीचे आएगा तो उतने ही आपको जो डेट्स हैं वो आपके या सर्कुलर डेट हैं या दूसरे हैं उतने कम होते जाएंगे। इसका फायदा तो होगा, तो आपकी इट मीन आपकी करेंसी स्ट्रांग हो रही है, उनकी करेंसी डाउनवर्ड चल रही है। तो आपकी करेंसी स्ट्रांग होगी तो इन्फ्लेशन रिड्यूस होगा, इसके इन्फ्लेशन भी रिड्यूस होगा। जो कंट्रीब्यूशन है इन्फ्लेशन में ड्यू टू डॉलर वो डाउन जाएगी। टैक्स या डिमांड सप्लाई अदर फैक्टर जो है वो वाले अपनी जगह पे, लेकिन इससे टू सम एक्सटेंट वो आपका इन्फ्लेशन भी डाउन होगा। अच्छा मुझे सर, अभी आपने एमनेस्टी की एक तरह से बात की थी, आपने जो कहा कि गवर्नमेंट जो थोड़ा सा अवाम को रिलीफ देती है, अब इसमें रिलीफ तो मुख्तलिफ तरीके से है, एक कुछ जायज रिलीफ होते हैं, कुछ नाजायज रिलीफ होते हैं। अब जैसे जो तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट है, इन्होंने जो टैक्स एमनेस्टी के नाम से भी और प्रॉपर्टी के हवाले से भी, आपको पता है कि दो तीन तरह की स्कीमें अपने दो ढाई साल में लॉन्च कर दी है, क्या आप समझते हैं कि इस तरह की स्कीमें लॉन्च होती रहनी चाहिए या इनको डिस्करेज किया जाना चाहिए? क्योंकि हमारे यहाँ पे आपको पता है कि एक रियल टैक्स पेयर भी है जो कि अपनी तमाम आमदन पर रियल टैक्स भी देता है, वो इस सारे प्रोसेस से क्या डिसहार्ट नहीं होता? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है, मैं ये इस पे ये कहूंगा कि पहले स्कीमें 2008 में भी आई, ऑनवर्ड भी आती रही जी। तो स्कीम जो है ये एमनेस्टी स्कीम जो है पहले तो ये डिस्करेज करनी चाहिए, क्योंकि ये जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है जिसने कारपोरेट सेक्टर है उसने 32% टैक्स दिया, 30% या 32% टैक्स दिया है। एक आम टैक्स पेयर जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर है उसने 30-35% दिया और 5-7 सालों से टैक्स दे रहा है या 10-15-20 साल से टैक्स दे रहा है, वो डिस्करेज होगा। वो कहेगा कि मैं तो बेवकूफ था जो टैक्स देता रहा हूँ। तो ये अगर जो नहीं देते वो कहेंगे जी हमने, हमें लिए अपॉर्चुनिटी मिल गई है और ये टैक्स देता रहे, तो इस तरह वो डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है कि उसके लिए जो जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर है या जो लॉयल है विद द स्टेट और टैक्स प्रॉपरली अपनी लाइबिलिटी डिस्चार्ज करता है तो वो फिर डिस्करेज होता है, और जो चीटर्स हैं या जो नहीं टैक्स देते वो फिर इनकरेज होते हैं, और फिर कुछ लोग फिर भी उसे अडॉप्ट नहीं करते। हाँ। वो कहते हैं जी स्कीम आई है फिर आएगी। लेकिन तो वो इस तरह फिर एक ये स्कीम आए तो मेरे ख्याल में वंस फॉर ऑल आए, इसको रेगुलर रूटीन नहीं बनानी चाहिए। जब आप रूटीन बनाएंगे तो फिर लोग आएंगे भी नहीं, और नेक्स्ट जो स्कीम होगी उसका जो फ्यूचर में आनी उसका इंतजार करते रहेंगे लोग, तो इसलिए वंस फॉर ऑल दें। वैसे मुल्क की नीड होती है तो ये आती है, ये भी अपनी जगह पे सच है कि ये हम कहें कि बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, ये भी नहीं ठीक, वंस फॉर ऑल आनी चाहिए। तो उसमें जो इंसेंटिव अदरवाइज भी है, इंसेंटिव आप बजाय एमनेस्टी स्कीम दें या आप व्हाइट पैसे कर लें तो आपको इंटरेक्टली इंडस्ट्रियल एमनेस्टी दें। आप कहें जी आप इंडस्ट्री लगा लें मुल्क में, इंडस्ट्री में आपको नहीं पूछा जाएगा कहां से पैसे हैं, उससे आपकी एम्प्लॉयमेंट होगी, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट होगी, गुड सर्विसेज होंगी, जीडीपी बढ़ेगी, टैक्स रेवेन्यू ज्यादा आएगा, तो वहां इस तरह के इंसेंटिव दे लें। पहले 86 क्लास थी पार्ट 4 सेकंड रूल में कि आप नई इंडस्ट्री लगाएं तो उसके लिए आपको नहीं पूछा जाएगा कहां से पैसे आए, अब वो स्कीम इन्होंने खत्म कर दी शुरू में। तो इस तरह की स्कीम वो अगर हो, इंडस्ट्री लगे तो कोई बुराई नहीं, इन्वेस्टमेंट बाहर से भी आए, फॉरनर इन्वेस्टर जो है उसको कहें जी आप जितने मर्जी पैसे लाएं इंडस्ट्री में लगाएं। तो इस तरह जो मैंने पहले कहा था कि जो हमारे 5% बड़े टैक्स पेयर्स हैं उनमें ये भी शामिल हो जाएंगे, बाहर से इन्वेस्टमेंट भी आएगी, पूछा भी, लोकल इन्वेस्टर कोई चाहते हैं, कोई पार्टनरशिप बाहर से करना चाहते हैं, कोई जॉइंट वेंचर करना चाहते हैं, बड़े प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करें तो बजाय एमनेस्टी देने के इंडस्ट्रियल एमनेस्टी दें, इन्वेस्टमेंट एमनेस्टी दें, इस तरह की एमनेस्टी दें। आज हमारे साथ बहुत ही मुअज्जज़ पर्सनैलिटी जो है मियां सुखेड़ा साहब मौजूद हैं। आज हमने इनसे बात की, टैक्स के हवाले से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की ये, और हमारे साथ मियां इमरान साहब भी मौजूद थे। बहुत ही एक अहम सा टॉपिक था जिसपे हमारे पास बहुत इन्फॉर्मेशन आई, हमारी ऑडियंस को भी जो है जानने का मौका मिला। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में नेक्स्ट मुअज्जज़ मेहमानों के साथ और नेक्स्ट इशू के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और जाते जाते सुखेड़ा साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने, हमें इतनी मुफीद किस्म की इन्फॉर्मेशन दी, बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू मैडम। ओके जी नाज़रीन, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।